Assalamualaikum and hello everyone, welcome back again. तो एक और रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। इस रेसिपी में हम बूंदी के लड्डू बनाना सीखेंगे। कोई नॉर्मल वाले लड्डू नहीं, मैंगो फ्लेवर्ड के हम बूंदी के लड्डू बनाएंगे। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि बूंदी के लड्डू बनाते वक्त काफ़ी बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी बूंदी जो है वो ड्राई हो जाती है, तो मेरी रेसिपी से अगर आप ट्राई करेंगे तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जिससे आपकी बूंदी जो ड्राई भी नहीं होगी और हलवाई जैसी बनेगी, और साथ ही में जो आप लड्डू बनाएंगे, लड्डू बाइंड करेंगे, तो आपकी बूंदी टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल अच्छी खिली खिली बूंदी के लड्डू बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूंदी का जो बैटर है वो रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कटोरी बेसन यानी कि चने का आटा ले लिया है। सारी मेजरमेंट मैंने इस कटोरी से की है। आप भी अपने घर में कोई सी भी एक कटोरी ले लें और उसी से इस रेसिपी में सारी की सारी मेजरमेंट करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक मीडियम सा बैटर बना के रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लम्ब्स बन जाएंगे, इसलिए पहले थोड़ा ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा ऐड करेंगे। इस तरह से एक मीडियम सा बैटर बना के रेडी करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ये बैटर वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। आप जैसे ही उसको ऑयल में ऐड करेंगे उसकी पूंछ निकल जाएंगी, ठीक है, वो बिल्कुल राउंड शेप की नहीं बनेंगी। और अगर बहुत ही गाढ़ा बैटर बना के रेडी कर लेंगे तो वो हमारे लैडल जिससे हम बनाएंगे बूंदी उसमें से बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा रनी मीडियम सा बैटर बना के हम रेडी करेंगे। आगे पर मैंने बैटर रेडी कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए। ये बिल्कुल भी बहुत गाढ़ा भी नहीं है और ये बहुत पतला भी नहीं है। अब देखो जब मैं इसको विस से नीचे गिरा रही हूँ तो ये ड्रिप हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल वाटरी फ्लोई ड्रिप नहीं हो रहा है, अच्छा ड्रिप हो रहा है, बूंदे बन रही है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रिप नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसका बैटर चाहिए, ठीक है ना, इसकी बूंदे बननी चाहिए। बस ऐसा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मैंगो का फ्लेवर देंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मैंगो का आर्टिफिशियल फ्लेवर प्लस कलर यूज़ किया है, ठीक है ना। इसमें मैंगो का फ्लेवर भी है और कलर भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम विस्क कर लेंगे। तो कलर ऐड करके हमने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हमको इसको अच्छी तरह से रेस्ट देना है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि हम बूंदी किस चीज़ से बनाएंगे। वैसे तो बूंदी बनाने के लिए एक अलग ही जो लैडल आता है, झारा जिसको बोलते हैं, वो होता है, लेकिन हम घर में हर किसी के पास वो लैडल नहीं होता है, इसलिए हम इस झारा, इस चम्मच स्पून जो भी आप कह लो, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे घर में, ठीक है। इससे भी काफ़ी अच्छे और बहुत ही आसानी से बूंदी बन जाती है और ये घर में हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो आज मैं आपको इसी से बनाना बताऊँगी। मैंने चढ़ा दिया था और ऑयल हमें मीडियम गरम करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है। हम हमारा लैडल लेंगे और उसको हम ऑयल के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर रखेंगे और हमारा बैटर ऐड करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और क्योंकि हमारा लैडल बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और वो अपने आप ही जो है बैटर नीचे गिरेगा, ठीक है ना। हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो प्रॉपर रखी थी, इस वजह से ये अपने आप ही नीचे बूंद बन के गिरेगा एकदम प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो। और बस इसी तरह से हम थोड़ा बैटर ऐड करेंगे और एक बार में जितने आ जाएंगे उतनी बूंदी बना करके रेडी कर लेंगे। देखिए थोड़ी देर यहाँ पर हमने इसको ऑयल में रखा था, अब हम इसको हल्का सा चला लेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमारी बूंदी को थोड़ा सा क्रिस्पी करना होगा, है ना, क्योंकि हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। अगर बहुत ही सॉफ्ट रखेंगे तो उसका हलवा बन जाएगा, उसकी बूंदी बनेगी नहीं। देखिए अब जो ऑयल में बबल्स जो है वो भी कम हो गए हैं, दैट मीन्स कि हमारी बूंदी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, आपको आइडिया आ जाएगी। और अब बस हमें इसको जो है बाहर निकाल लेना है और इसी तरह से सारी बना करके हम रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर बूंदी बनके रेडी हुई है। अगर आप पहली बार घर में बना रहे हो और अगर आपकी हल्की सी पूंछ वगैरह निकल जाती है या फिर फ्लैट बूंदी बन भी जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ तो होते रहता है, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके तो अब हम इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कटोरी चीनी ले ली है, ठीक है, चीनी भी हमने सेम कटोरी से मेजर की है जिससे बेसन करा था, और जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हम चीनी लेंगे, ठीक है। तो 3 कटोरी चीनी लेंगे
और साथ ही में हम इसमें 3 कटोरी पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 3 कटोरी बेसन, 3 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी हमने में इसको पकाना है जब तक इसकी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, है ना। बीच बीच में 1 से 2 बार इसको चलाते रहेंगे ताकि चीनी तले में लगे ना। पर जो है चीनी घुल गई है, अब हम इसको मैंगो फ्लेवर देंगे। तो ठीक है, मैंगो का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कटोरी मैंगो पल्प, ठीक है। 1.5 कटोरी जितना मैंगो पल्प हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे, आप जो भी मैंगो ले वो आपकी मीठी होनी चाहिए, अगर आपकी खट्टी होगी तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं देगी, ठीक है। तो मीठी आएगी तो उसमें मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो जो भी आप मैंगो ले उसका पल्प मीठा होना चाहिए। इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक कुक करना है ताकि जो हमने पल्प इसमें ऐड किया था वो अच्छे से शुगर सिरप में मिक्स हो जाए और पक जाए, ठीक है ना, जिससे हमारे लड्डू काफ़ी टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकेंगे। और साथ ही में जो हमारी चीनी है वो भी इसमें पक जाएगी, ठीक है ना। मीडियम सी हमें चाशनी बनानी है, चिपचिपी सी, 1 या 2 तार वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाशनी को पकते पकते लगभग 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल चिपचिपी सी हमारी चाशनी बनके रेडी हुई है। कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह से रखनी है ताकि आपकी बूंदी जो है चाशनी को अच्छे से सोक कर सके, ठीक है ना। बहुत अगर गाढ़ी चाशनी हो जाएगी तो बूंदी सोक नहीं कर पाएगी और आपके लड्डू सूखे सूखे ड्राई बनेंगे। इसलिए चिपचिपी सी मीडियम चाशनी बनाएंगे ताकि लड्डू हमारे सॉफ्ट बिल्कुल हलवाई जैसे बने, है ना। चाशनी को गरम गरम में ही हमारी बूंदी में ऐड कर देना है और अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो है सारी की सारी बूंदी इक्वली चाशनी को सोक करे। ऐसा ना हो कि नीचे वाली बूंदी सारी चाशनी सोक कर ले और हलवा बन जाए और ऊपर वाली ड्राई रह जाए, है ना। इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब हमें इसको कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सोक कर ले और ठंडा भी हो जाए। गरम गरम में वैसे ही लड्डू नहीं बनते, तो इसको ठंडा भी हो जाने देंगे। बीच बीच में हम इसको 1 से 2 बार चलाते रहेंगे ताकि सारी चाशनी इक्वली बूंदी सोक करे, है ना। तो अब इसको हम कवर करके रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी बूंदी काफ़ी अच्छे से ठंडी भी हो गई है और आप देख लो यहाँ पर सारी बूंदी ने बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चाशनी सोक कर ली है और बूंदी भी हमारी खिली खिली बनी है बिल्कुल, आप देख सकते हो। बीच बीच में ध्यान रहे आपको 1 से 2 बार चलाते रहना है ताकि सारी बूंदी जो है इक्वली चाशनी सोक करे। हम इसमें थोड़े से क्रश्ड पिस्ताशियो ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो मत करो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो इसमें मेलन सीड्स जो होते हैं तरबूज के बीज वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें भी अच्छे से चाशनी लग जाए और ये भी अच्छे से बाइंड हो जाए। 5 मिनट बाद हमारी बूंदी जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जितनी साइज़ का आपको बूंदी का लड्डू बनाने हैं उतना आप ले लें और इसको हल्के हाथों से प्रेस करके लड्डू बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज़ जो बूंदी का जो शेप है टेक्स्चर है वो ख़राब हो जाएगा और अगेन यहाँ पर फिर बूंदी के लड्डू के बदले बेसन के लड्डू बन जाएंगे, हलवा हो जाएगा। इसलिए हम इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसके लड्डू बना करके रेडी कर लेंगे। सी यहाँ पर कितने अच्छे से परफेक्ट बूंदी के लड्डू हमारे बनके रेडी हो गए हैं। खिली खिली एक एक बूंदी आपको नज़र आ रही है ना। इसी तरह के लड्डू आप भी बना सकते हो अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। और अभी ईद भी आने वाली है तो बिल्कुल बनाइए ये रेसिपी मैंगो लड्डू की और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।